हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पेंट हाउस का एपिसोड 7। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं हमारे एपिसोड को। एडमिशन सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी और स्टेज पे यूनबिल गाना गा रही होती है। ये सिर्फ सियोजिन का प्लान था बेरुना का एक्सीडेंट करवा के उसे शो में आने से रोकने के लिए। बेरुना वहीं बाजू में बैठ जाती है, उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता। और सियोजी ने ये सब अपने पापा की वजह से किया था, क्योंकि उसकी बहन को चौंगे फाउंडेशन दे देंगे इसलिए। और सियोजी ने सियोक्यों को चीटिंग करते देखा था एग्ज़ाम में। इसका फ़ायदा लेके उसने जोदांते को अपनी बेटी को लीड में गाना नहीं गाने बोला था और सियोक्यों को लीड से निकाला था। और हम सियोक्यों का गुस्सा साफ देख रहे थे इसकी वजह से। लेकिन जब सियोजिन ने जोदांते को सियोक्यों को लीड से निकालने बोला था, तब जोदांते सियोजिन को बोला था कि मैं सियोक्यों को लीड में नहीं गाने को बोलूँगा, पर हाँ, और वो वहाँ से चला जाता है। और इसके वजह से सियोजिन नाराज़ थी। सियोजिन ने बेरुना को उसके ऑफिस में बुलाया था, वो सेरेमनी में नहीं आई थी इसलिए। बेरुना तो सियोजिन की वजह से ही नहीं आई थी, लेकिन वो इल्ज़ाम उस पर ही लगा रही थी। वहाँ यूनी आके सियोजिन को बोलती है, अपना नाटक बंद करो, मुझे पता है हमारा एक्सीडेंट तुमने ही किया है। तुम अपने बेटे को स्टेज पे लाना चाहती थी, इसलिए तुमने ये सब किया। सियोजिन बेरुना को फर्स्ट डे ही पेनाल्टी पॉइंट्स देती है। जोदांते ने सियोक्यों और सियोक्यों को बुलाया होता है। जोदांते सियोक्यों को अब्रॉड भेजना चाहता था पढ़ाई के लिए। ये सुन के सियोक्यों खुश होती है, क्योंकि उसे भी यहाँ से जाना था। लेकिन उसे पता चलता है कि वो सियोक्यों को नहीं भेजने वाले। ये सुन के वो जाने से मना करती है, वो रोने लगती है। जोदांते का वो पैर पकड़ती है। सियोक्यों भी बोलता है, अगर आप उसे भेजोगे तो मुझे भी भेजना होगा आपको। वो उन दोनों पर गुस्सा करता है, क्योंकि आज सियोजी ने उन दोनों को लेकर उसे ब्लैकमेल किया था। वहाँ सूर्यन आके उन दोनों को वहाँ से लेके जाती है, ये बोल के कि वो उन दोनों को समझाएगी, आज से मैं उनका ध्यान रखूँगी, ऐसा उसको बोलती है। सियोक्यों जोदांते को बोलती है, अगर मैं स्कूल में टॉप पाई और वो ट्रॉफी मैंने जीती तो क्या आप मुझे नहीं भेजेंगे। वो बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम कैसे जीतोगे वो ट्रॉफी यूनबिल से जीत के। सियोक्यों बोलती है, अगर मुझे ट्रॉफी नहीं मिली तो मैं यहाँ से खुद चली जाऊँगी। वो बाहर जाने के बाद वहाँ सियोक्यों खड़ा होता है। वो जोदांते को बोलता है, क्या आपने उसे मारा है, मुझे पता है एनली मैकेनिकल रूम में थी। जोदांते हैरान होता है सुन के, उसे कैसा पता चला। और सियोक्यों इनडायरेक्टली जोदांते को धमकी देता है कि मेरी बहन को हैरास करना छोड़ दो। यूनबिल ने आज स्टेज पर बहुत अच्छा गाना गाया था, इसलिए डॉक्टर उसके पास आकर उसकी तारीफ कर रहा था। यूनबिल उसे बोलती है, आप मामा पापा पहले जैसे रहो ना, मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। और वहाँ से आने के बाद डॉक्टर सियोजिन को डिनर डेट के लिए पूछता है अपनी बेटी की वजह से। सियोजिन को समझ नहीं आता कि ऐसा अचानक कैसे चेंज हो गया, और वो उसे हाँ बोलती है। लॉयर जोदांते और डॉक्टर बाहर गए थे, तब डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है, ये बोल कर कि वो सियोजिन के साथ जा रहा है। ये बात सुन के ऐसा लग रहा था कि जोदांते जेलस हो रहा है, उसने ही वो रिलेशन एंड किया था। डॉक्टर उस होटल में पहुँच जाता है और सियोजिन भी वहाँ आती है तैयार होके। वो डॉक्टर के पास आ रही होती है, पर तभी सियोजिन को जोदांते का मैसेज आता है, उसने उसे मिलने बुलाया होता है। और सियोजिन डॉक्टर को छोड़ के वहाँ उसके पास जाती है और डॉक्टर को वो बताती है कि वो अपने पापा को मिलने जा रही है, वो नहीं आ सकती आज। डॉक्टर सियोजिन के पापा को कॉल करता है, सच में वो गई है क्या नहीं देखने के लिए। और वहाँ सियोजिन नहीं थी। डॉक्टर को उस पर अब पक्का डाउट आ गया था। सियोजिन को जोदांते ने एक विला में बुलाया था, वो खास उसने सियोजिन के लिए बनाया था। और वो दोनों फिर से पहले जैसा रिश्ता शुरू करते, वो वहीं नाइट स्पेंड करती है। डॉक्टर घर में सोया था, सियोजिन रात में बहुत लेट आती है, डॉक्टर सोने का नाटक करता है। डॉक्टर सोया ये देख के सियोजिन अंदर आती है, और डॉक्टर तभी सोया नहीं था। नेक्स्ट डे सूर्यन जोदांते को बताती है कि वो अपने मॉम का फर्नीचर बिजनेस संभालना चाहती है, और वो उसे परमिशन दे देता है। बेरुना स्कूल में लेट पहुंच जाती है, जो लेट आए थे उन्हें बाहर खड़ा किया था। वो बाहर नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो दीवार चढ़ के जाने की कोशिश करती है। और तभी वहाँ सियोक्यों आता है,
और वो उसे उसके कंधे पर पैर रख के ऊपर चढ़ने बोलता है। बेरू ना उसे उस साइड जाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो अपने कार से अंदर आता है। बेरुना स्कूल में आती है तब सब लोग उसको परेशान कर रहे थे। यूनबिल बेरुना को नीचा दिखाने के लिए सबको उसके घर में इनवाइट करती है, उसको छोड़ के सिर्फ। तब सियोक्योंग बेरुना को इनवाइट करती है उसके घर में आने के लिए। सियोक्योंग को यूनबिल पर गुस्सा था एडमिशन सेरेमनी के बाद से ही। बेरुना को इनवाइट किया देख के यूनबिल का फेस देखने लायक हो गया था और सियोक्योंग भी उसे बोलता है तो यूनबिल और गुस्सा होती है क्योंकि यूनबिल को वो पसंद था। क्लास में म्यूजिक टीचर आता है जिसने बेरुना को फंसाया था। बेरुना को समझ आता है उसने यहाँ स्कूल में जॉब मिलने के लिए सियोजिन के साथ मिलकर उसे फंसाया था। वो प्रोफेसर नोटिस बोर्ड में पेनाल्टी पॉइंट्स के बारे में लिखता है बेरुना के। बेरुना उसे पूछती है कि उसने सब सियोजिन के कहने पर किया था ना, तो ये सब बातें यूनबिल सुनती है और उन दोनों में वहाँ पर लड़ाई होती है। सियोक्योंग वहाँ आके देखती है और हमें पता चलता है कि सियोक्योंग का ये प्लान था सियोक्योंग को बेरुना से अच्छे से बात करने बोलने का और फिर बेरुना को पसंद आने लगेगा। यूनबिल को सियोक्योंग पसंद था ये बात उसे पता थी और उन दोनों में ऐसा झगड़ा होता रहा तो उसका रास्ता आसान हो जाएगा। तभी उधर सियोजिन भी आती है और एज यूजुअल वो बेरुना को ही डांटती है। हम जोदांती की मेमोरी देखते हैं जो एनाली को मिलने गया था उस रात मैकेनिकल रूम में। तब उसे एनाली ने बोला था अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बेरुना पेंट हाउस आई थी। सूर्यन उसका बहुत अच्छे से वेलकम करती है। सूर्यन यूनी को भी वहाँ पर इनवाइट करती है। ये फर्स्ट टाइम यूनी आई थी पेंट हाउस में। वो दोनों बातें करते हैं। जब बेरुना और यूनी वापस जा रहे थे तब यूनी और बेरुना को सियोजिन देखती है। वो सिक्योरिटी को बुलाती है ये ऐसे लोगों को यहाँ पर हीरा पैलेस में मत आने देना ऐसे वो सिक्योरिटी को बोलती है। बेरुना बोलती है उसे सूर्यन ने इनवाइट किया था। तब फिर भी वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें वहाँ से बाहर लेके जाता है। बाहर आने के बाद बेरुना यूनी को बोलती है वो यहाँ हीरा पैलेस में रहना चाहती है। यूनी उसे प्रॉमिस करती है कि वो वहाँ पर ज़रूर रहेंगे और वो एनाली का अपार्टमेंट लिया था वो बेचने का डिसाइड करती है क्योंकि बेरुना वहाँ नहीं रहना चाहती थी। ये बात जोदांती को पता चलती है वो अपार्टमेंट बेचने वाली है ये वाली। वो डेवलपमेंट का प्लान अनाउंस करने का प्लान बनाते हैं। वो अपार्टमेंट लेने के बाद वहाँ लॉयर गया था वो अपार्टमेंट खरीदने। यूनी की साइन चाहिए थी इसलिए। स्कूल में बेरुना से फिर से सब लोग कमेंट्स करने लगते हैं और मजाक बनाते हैं उसका, तुम स्कूल का नाम खराब कर रही हो बोल के। यूनी ब्रोकर के पास आती है उसे आता देख के लॉयर नीचे छुप जाता है। यूनी को लेट हुआ था आने में। रीडेवलपमेंट का प्लान दोपहर में रिलीज़ होने वाला था। यूनी उस पर अपना स्टैम्प करने ही वाली थी तो न्यूज़ पर रीडेवलपमेंट के बारे में न्यूज़ आने लगती है और यूनी खुशी के मारे कूदने लगती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, वो चिल्लाने लगती है क्योंकि अब वो अमीर बन गई थी। उधर स्कूल में सब लोग उसका मजाक बना रहे थे, वो बोसुक विलेज में रहती है बोल के उसे नीचे गिराते हैं। बेरुना हाथ में मॉप लेके उनको दूर करती है। वो बिल्कुल कॉर्नर पे आई थी, साइड वाली स्टैचू भी नीचे गिर जाती है और उसका भी बैलेंस आता है और वो नीचे गिरती है। पर वहाँ पर एक इंसान आके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बचाता है। ये नया कैरेक्टर कौन है हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।